Let's get you details from the national capital, where another AAP Neta was grilled by the Enforcement Directorate today. The ED continues to dig deeper in the liquor policy scam after Arvind Kejriwal's arrest. The investigating agency has grilled Delhi Minister Kailash Gehlot in the national capital today. The Enforcement Directorate has accused Gehlot of constantly changing phone numbers during the relevant period. It said that Gehlot helped accuse Vijay Nair, who was AAP's communication in charge. Gehlot reportedly also allowed Vijay Nair to use his official residence. Already, AAP's Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, Sanjay Singh, Satendra Jain and Vijay Nair are in the custody of the Enforcement Directorate for their alleged role in the Delhi excise policy case. Meanwhile, BJP has slammed AAP over the Kejriwal Ko Aashirwad campaign and said that people in large numbers demanded his resignation on messages. The party also called Arvind Kejriwal Pablo Escobar. आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, क्या पता कल मुझे बुलाएं, परसों सौरभ जी को बुलाएं, उसके बाद एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता पर झूठे आरोप लगाकर उनके घर उनको समन भी करेंगे, उनके घर रेड भी करेंगे, उनको गिरफ्तार भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। केंद्र सरकार बहुत डेस्परेट है, ये चुनाव हार रहे हैं। अब इनके पास एक ही तरीका है कि अपोजिशन पार्टी के नेताओं को जेल भेजा जाए, अपोजिशन पार्टी के बैंक अकाउंट्स को किसी भी तरीके से सील किया जाए और पैसे के बलबूते पे एक तरफा चुनाव लड़े जिसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही हो, मैदान में और कोई ना हो, सब लोग जो है जेल में हो, अकाउंट फ्रीज हो। इस तरह से नहीं चलता। कहां भारत एक महान प्रजातंत्र के लिए जाना जाता था और आज केंद्र सरकार ने हमें इस स्तर तक पहुंचा दिया है। हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। कैलाश गहलोत को भी मिला है, हमारे बहुत सारे एमएलए को भी, गोवा में भी मिल रहा है, नोटिस जो मिल रहा है, गुजरात में भी मिल रहा है, हमारे लीडर को तो मिल रहा है। हम कह रहे हैं हमारे लीडर को दे दो नोटिस आप। लेकिन सवाल एक ही है, जेपी नड्डा जी जिन्होंने रिश्वत के पैसे लिए हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के पैसे लिए हैं, उनको नोटिस कब देगी ईडी? अगर ईडी निष्पक्ष है तो, अगर ईडी एक कलेक्शन डिपार्टमेंट है या एक्सॉर्शन डिपार्टमेंट है बीजेपी का, तो बात अलग है, तो मान ले फिर वो।